रांची प्रेस क्लब में बिरसा मुंडा कोविड केयर मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल तैयार हो गया है। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार 13 मई को सुबह 11 बजे किया। प्रेस क्लब के ग्राउंड फ्लोर में बनाए गए कोविड सेंटर में बेड और उपकरण लगाए गए हैं। एक वार्ड का नाम दिवंगत पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के कार्यकारिणी सदस्य सुनील कुमार सिंह के नाम पर रखा गया है। झारखंड का रांची प्रेस क्लब पहला ऐसा संस्थान होगा जहां मीडिया कर्मियों के लिए कोविड अस्पताल बनाया गया है। 40 बेडों वाला इस कोविड अस्पताल में मीडिया कर्मियों के लिए कुछ बेड की अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि कोरोना के चपेट में आए मीडिया कर्मियों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही इस कोविड-19 में आम लोगों का इलाज भी किया जाएगा। रांची प्रेस क्लब मिशन ब्लू फाउंडेशन कमल भद्र फैसिलिटी के सहयोग से 40 बेड की क्षमता वाले इस कोविड अस्पताल में एम्बुलेंस सहित सभी आधुनिक चिकित्सा उपकरण मौजूद रहेंगे। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर और करीब 50 पारा मेडिकल स्टाफ की टीम 24 घंटे सेवा देंगे। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन। वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड। वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।